सबसे पहले बात करते हैं बाहुबली प्रभास की। तो बाहुबली फेम प्रभास के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर हर कोई सुपर एक्साइटेड है। अगर खबरों की माने तो प्रभास एक फेमस डायरेक्टर की फिल्म में एक्शन अंदाज में अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे, जिसमें उनके साथ सलमान खान होंगे। जी हाँ, आखिर कौन सा वो डायरेक्टर है, कौन सा वो प्रोड्यूसर है जो सलमान और प्रभास को एक साथ लेकर आ रहा है और फिल्म बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाहुबली के सुपर सक्सेस के बाद हर निर्माता और निर्देशक एक्टर प्रभास को अपनी फिल्म में लेने की प्लानिंग कर रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खबरें आ रही हैं कि फिल्म मेकर करण जौहर अपनी फिल्म से प्रभास को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे, लेकिन अब खबर है कि प्रभास करण जौहर की फिल्म से नहीं बल्कि एक्शन पैक्ड डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म से डेब्यू कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित अपनी फिल्म में प्रभास के साथ साथ दबंग सलमान खान को भी कास्ट करना चाहते हैं। सोर्सेज के माने तो रोहित एक एक्शन पैक्ड मूवी मसाला प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म में प्रभास और सलमान की सुपरहिट जोड़ी नजर आए। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान और प्रभास एक ही फिल्म में नजर आ सकते हैं। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म बाहुबली देखने के बाद रोहित एक धमाकेदार स्टोरी प्लान कर रहे हैं और उसके लिए उनकी पहली पसंद प्रभास और सलमान खान ही है, लेकिन मामला जम नहीं पा रहा है। परेशानी ये है कि सलमान फिलहाल अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी है और वो दबंग 3 की शूटिंग भी करने वाले हैं। साथ ही वो अपने होम प्रोडक्शन फिल्मों की शूटिंग में भी बिजी रहेंगे। तो वहीं प्रभास फिलहाल बाहुबली की सक्सेस के बाद साहू की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, ऐसे में वो भी एक साल तक बिजी हैं। ऐसे में रोहित को सलमान और प्रभास को एक फिल्म में लेने के लिए अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि रोहित की ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड में वो कौन सा बाहुबली फिल्म मेकर होगा जो प्रभास को लेकर हिंदी फिल्म बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।